वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रेशर स्विच के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस तरह की मज़ीद चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, फ्लोट वाल्व और ये कैसे प्रेशर स्विच पैनल को कमांड देता है, पैनल कैसे काम करता है, आप मेरे चैनल पर तमाम वीडियो हासिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। आज मैं आपको प्रेशर स्विच के बारे में बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास प्रेशर स्विच है। ये क्यों यूज़ किया जाता है? जो हमारे लाइन का हेडर का जो प्रेशर होता है उसको मॉनिटर करता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा सेट पॉइंट होता है, कट इन कट आउट प्रेशर होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पंप को रन करता है। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पे हम टैंक को यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली पानी को जो है बिल्डिंग में थ्रो करते हैं, उस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये क्या होता है? हमारी जो मेन लाइन होती है पाइप लाइन, उसके प्रेशर को मॉनिटर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका करंटली प्रेशर जो है 3.5 है। जैसे ही इसका प्रेशर डाउन होगा अराउंड 3 बार, तो ये क्या होगा, हमारा प्रेशर स्विच जो है हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल को कमांड देगा और हमारा पंप चलने लग जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं पैनल के बारे में, कैसे पैनल करता है काम, और इसके साथ हमारे साथ प्रेशर विसल टैंक लगे होते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं इनका क्या पर्पस है, वीडियो के एंड में लिंक दिया गया, आप जान सकते हैं, पैनल के बारे में भी जान सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा ये हमारा प्रेशर स्विच है। ये देख सकते हैं आप, इसको हम ये इसका पॉइंट जो हाइलाइटेड पॉइंट है, इधर से हम इसको ओपन करते हैं और उसके बाद हम इस कवर को रिमूव करते हैं। इस कवर को रिमूव करते हैं तो हमारे पास बेसिकली ये एक मैकेनिकल स्विच होता है जो कि प्रेशर के अकॉर्डिंगली काम करता है। इसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स दिए जाते हैं जो कि हमारे जो इसमें मौजूद स्प्रिंग की पोजीशन चेंज होने की सूरत में ये कॉन्टेंट्स जो हैं ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास चार कॉन्टेंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं जो हाइलाइटेड वन है, ये चार कॉन्टेंट्स हैं जब से जिसमें आप वायरिंग देख सकते हैं हुई हुई है। ये हमारे नॉर्मली ओपन कॉन्टेंट्स हैं, जबकि ऊपर आप जो हाइलाइटेड देख सकते हैं जिसमें कुछ वायरिंग नहीं है, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। यानी कि अभी जो हमारा सिस्टम का प्रेशर बराबर है, यानी कि 3.5 बार है, तो इस वजह से हमारे जो नीचे वाले जो कॉन्टैक्ट हैं जिसमें वायर है वो नॉर्मली ओपन कंडीशन में है। जैसे ही हमारे लाइन का प्रेशर ड्रॉप होगा तो ये दोनों नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे, जिससे ये वायर जो है हमारी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि जो फेस वायर ऊपर से आ रही है नीचे से रिटर्न पैनल की तरफ चली जाएगी, एज अ क्लोज स्विच काम करेगी और हमारे पैनल को कमांड मिलेगी और हमारा पैनल जो है काम करना शुरू कर देगा। आपको दिखाऊंगा इसका स्प्रिंग होता है जो कि हमारी आप देख सकते हैं ये प्रेशर लाइन है। प्रेशर लाइन यहाँ से इन हो रही है, हमारा पानी का प्रेशर इधर जा रहा है और इसके साथ हमारे आगे स्प्रिंग कनेक्टेड होता है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास इसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। ये स्प्रिंग जो होता है ये हमारे कैलिब्रेटेड होता है, प्रेशर के अकॉर्डिंगली काम करता है, और जैसे ही हमारे लाइन का प्रेशर रिड्यूस होता है तो ये स्प्रिंग अपनी कंडीशन चेंज करता है। यानी कि अभी एनर्जाइज है तो इसकी इलास्टिकपन जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे हमारे कॉन्टैक्ट्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। आप अगर इसको मैन्युअली ओवर राइड करके चलाना चाहते हैं तो आप कैसे ओवर राइड कर सकते हैं, वो तरीका भी आपको मैं बताऊँगा। आप देखेंगे कि ये ऑन कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में आपको कैसे पता चलेगा। अभी आप देख सकते हैं इस तरफ जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है कोई भी पार्ट जो है बाहर की तरफ नहीं है। जैसे ही हम इसके लीवर को प्रेस करेंगे, आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो ये इसका लीवर है। इस लीवर पे आप नीचे से टेस्टर को या किसी भी चीज़ को डालेंगे तो ये मैन्युअली ऑपरेट हो जाएगा। जैसे हम इसको ऊपर करते हैं तो देख सकते हैं आप हमारा, ये देख सकते हैं हमारा जो है कॉन्टेंट चेंज हो जाते हैं, ये बाहर आ जाता है। अभी हमारा लाइन का प्रेशर पूरा होने की वजह से जो है अभी देख सकते हैं पंप चल रहा है। जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं ये बंद हो जाता है, क्योंकि हमारा लाइन का प्रेशर जो है पूरा, हमारा स्प्रिंग जो है फुली एनर्जाइज है, इस वजह से जो है हमारा ये स्विच फौरन बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो ये इसका प्रोसीजर है। इसका आप एडजस्टमेंट कैसे करते हैं इसके प्रेशर को, कट इन एंड कट आउट प्रेशर आप कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एक इसका लीवर है, ये बोल्ड लगा है, जहाँ से आप देख सकते हैं इसके ऊपर देख सकते हैं मेंशन भी है पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से आप इसके प्रेशर को कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा जो है ये हमारा जो है
दूसरा स्प्रिंग हमारे पास ये स्प्रिंग होता है जहाँ से आप इसका कट आउट प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो स्प्रिंग दिया गया है, इस स्प्रिंग से आप इसका कट आउट प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं, वो ये इस लीवर को कंट्रोल करता है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। कि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।